आज का जो हमारा टॉपिक है लंब वृत्ताकार बेलन, आज हम उसका बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे और इसमें फॉर्मूला के बारे में डिस्कस। ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पैरों के कांटा खुद हम ही से निकलेगा। तो स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल सेल्फ स्टडी पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस लॉकडाउन के दौरान इस चैनल के माध्यम से आपको बोर्ड क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट को सोल्व करा रहा हूं, और आज मैं आपको सोल्व कराऊंगा, आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा चैप्टर और बेलन के बारे में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बेलन के बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले बताऊंगा कि आपको बेलन बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना है, आप कैसे बेलन में दिए गए सवालों को यानी चैप्टर 8 में दिए गए सवालों को किस बेसिक कंसेप्ट के सहारे से आप बना सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको संग संग मिल सके। और दूसरी सबसे जरूरी बात कि आप अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और मेरे सही मेहनत का फल मुझे मिल सके। मैं चाहता हूं कि आप की तैयारी अच्छे से कर अच्छे से अच्छे नंबर लाए, मैं भी इसमें आपका कुछ हेल्प करना चाहता हूं, और हमारे देश के नाम के साथ साथ अपने मम्मी पापा का नाम भी आप रोशन करें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं हिंदी माध्यम से आपका मैथ का चैप्टर सोल्व करा रहा हूं। और बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि हर एक टीचर या आप किसी के भी मुंह से बोलते हुए सुने होंगे कि मैं आपको मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता हूं, या आप किसी सर का नाम सुन के वहां पे ट्यूशन करने जाते हो, तो मैं आपको ये बात बता देता हूं कि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो किसी के पास जाके पढ़ने से आपका अच्छा स्कोर नहीं आने वाला है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक स्कूल या एक ट्यूशन में सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन क्या उन सभी का नंबर समान आता है? नहीं आता है। क्यों? सर भी वही रहते हैं जो सभी को पढ़ाते हैं, सर तो समान रूप से पढ़ाते हैं, फिर समान रूप से नंबर क्यों नहीं आता है? तो मैं आपको बताया अभी कि आपके पैरों की कांटा खुद आप ही से निकलेगा, यानी आप खुद मेहनत करके ही अच्छे स्कोर कर सकते हैं और स्कोर खराब भी कर सकते हैं बिना मेहनत किए हुए, बहुत सारे आज स्टूडेंट कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करके अपने समस्याओं का समाधान कीजिए, चीजों को समझिए, ठीक है, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपका कुछ मदद करूं आपको आगे बढ़ने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है लंब वृत्ताकार बेलन, आज हम उसका बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे और इसमें फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर लंब वृत्ताकार बेलन, बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। लंब वृत्ताकार बेलन होता क्या है, किसे कहते हैं, किसे आयताकार कागज या अन्य वस्तु को चारों ओर एक बार घुमाने से जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पेज है, ठीक है, ये एक आयताकार पेज है, आप इसे देख रहे हैं, यदि हम इसे एक बार चारों तरफ इस तरह से घुमा दो, इस तरह से क्या कर दूं, इसको ऐसे घुमा दो, तो देखिए ये एक तरह से आकृति बन गई है, देखिए एक तरह से ये क्या हुई है, आकृति बन गई है। तो इसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन बोलेंगे। या मैंने कुछ मॉडल्स भी बनाया हूं, जैसे ये देखिए,
ये किसकी आकृति है? लंब वृत्ताकार बेलन की। आप इसका इधर देखिए, इसका मुंह जो है बंद है, इधर से भी मुंह क्या इसका बंद है। कुछ खुले मुंह वाले भी मेरे पास मॉडल्स है, ये देखिए, ये इसका एक तरफ से मुंह खुला है और एक तरफ से मैंने इसका मुंह बंद करके रखा है। ये देखिए इसके दोनों तरफ से मुंह क्या है, खुला है। तो इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लंब वृत्ताकार बेलन। ये आकृति को आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए इस आकृति में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें ऊंचाई दिख रही है, इसमें क्या दिख रही है? ऊंचाई दिख रही है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि लंब वृत्ताकार बेलन में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो आप ये आकृति देख लिए होंगे, और भी आपके आसपास बहुत सारे ऐसी आकृतियां है जो लंब वृत्ताकार बेलन की आकार में है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कम से कम एक नाम तो आप जरूर खोजिए जो आपके आसपास एक लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति में है। तो आपने समझ लिया कि लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति कैसे होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें ऊंचाई होती है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं कि जो दूसरा है हमारा आधार। तो नीचे के वृत्ताकार तल को बेलन का आधार कहते हैं। वृत्ताकार तल क्या हो गया? आप 9 क्लास में वृत्त के बारे में पढ़े हैं, आपका वृत्त का चैप्टर है। वृत्त की आकृति कुछ कैसी होती है? इस तरह की। वृत्त यानी गोल होता है। तो देखिए इसके जो नीचे वाला भाग, मगर इसको मैं ऐसे खड़ा करूंगा, तो ये इसके नीचे वाला तल क्या होता है? एक वृत्ताकार आकृति है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आधार। यानी नीचे के वृत्ताकार तल को बेलन का आधार। आधार यानी नीचे, जैसे बेलन ऐसे खड़ा है, तो ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये जो आकृति कैसी है बच्चों? वृत्ताकार आकृति है, ठीक है। आप इसको भी समझ लिए होंगे। आगे देखिए पार्श्वतल। पार्श्वतल सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को देखा हूं पढ़ाने के दौरान कि वो पार्श्वतल और संपूर्ण तल में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको अच्छे से आज समझ लेना है। देखिए पार्श्वतल क्या होता है कि आधार तल की परिधि पर स्थित वक्र तल को पार्श्वतल कहते हैं। यानी ये तो इसका आधार तल हो गया जो मैंने अभी बताया, ये क्या हो गया? इसका आधार तल हो गया। और इसके ऊपर एक आकृति जो है स्थिर है, एक आकृति क्या है? स्थित है। तो ये जो आकृति, जो इसका ये गोल वाला भाग है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्श्वतल बोलते हैं। बात समझ में आया? माने इस गोल वाले भाग को, जो ये गोल होके बना हुआ है ना, तो ये जो गोल वाला भाग है इसको छोड़ के, ये जो इसके ऊपर तो ये स्थित है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्वतल बोलते हैं, ठीक है। और संपूर्ण तल किसको बोलते हैं? जब ये सबको मिला देंगे, पूरे गोलक को, माने इसका ये इधर ये पोर्शन नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये इसका जो पार्श्वतल है, ये सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? संपूर्ण तल बन जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूं कि आप गोलक से बहुत अच्छे से परिचित हो गए हैं। आपको गोलक में क्या याद करके रखना है कि इसमें ऊंचाई होती है, ठीक है, ये जरूरी बात है, ऊंचाई होती है, इसमें याद रखना है। और दूसरी बात, आपको अपने सोसाइटी से गोलक का कम से कम एक उदाहरण खोज के कमेंट में उसका नाम जरूर बताना है कि सर ये गोलक की आकृति, जो भी आपको गोलाकार आकृति दिखे उसका नाम कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गोलक के कुछ फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं, उसको मैं आपके बेलन चैप्टर में, यानी आपका चैप्टर नंबर 8 है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फार्मूला यूज होने वाले हैं मैं उसको बोर्ड पर नोट डाउन किया हूं। आप इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए हम उस फार्मूला को समझ लेते हैं कि क्या है वो फार्मूला। देखिए महत्वपूर्ण सूत्र है ये, इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए यहां पर ध्यान से कि बेलन के वक्र तल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल, मेरे प्यारे बच्चों वक्र तल और पार्श्व तल दोनों एक ही होता है, या आप वक्र तल बोलो या आप पार्श्व तल बोलो, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh वर्ग इकाई। देखिए क्षेत्रफल के पीछे हमेशा क्या लिखा रहता है? वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई को आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि क्षेत्रफल के पीछे हमेशा वर्ग का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको सवाल में फॉर्मूला लगाने में मदद करता है, यानी किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी तो जरूरी है, ये भी बात मैं बताऊंगा। देखिए
आपके लिए 400-500 फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी बात है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा हूं, ये कौन सा फॉर्मूला कहां यूज होगा, ये भी मैं बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। दूसरा देखिए कि बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, माने बेलन का जो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है, यानी 2πr और r+h वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की बात है तो वर्ग इकाई, इकाई के जगह पे कुछ भी सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर जो बुक में दिया रहता है वो लिखा जाता है। ओके, आगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप पाई के बारे में जान गए हैं, आपने 12 चैप्टर पढ़ा है गोलक को, और आपने पाई के बारे में जान लिया है कि पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। आगे खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, पाई, कोष्ट बनाया मैंने, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ओवर H। ये जो R1 और R2 है, जब सवाल में आएगा तो मैं इसको अच्छे से बता दूंगा कि R1 क्या होता है, R2। और आ गया खोखला बेलन, कि खोखला बेलन होता कैसे है, तो ये कुछ इस तरह का एग्जांपल जो है, देखिए इसका दोनों तरफ से मुंह क्या है, खुला है, तो इसको हम खोखला बेलन बोल सकते हैं। ठीक है, आप समझे होंगे। आगे देखिए कि खोखले बेलन के संपूर्ण बाहरी और भीतरी पार्श्वतल, पार्श्वतल के बारे में मैं आपको बता दिया हूं, पार्श्वतल तलों का क्षेत्रफल, पार्श्व तलों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2π, देखिए 2π कोष्ट में R1+R2 कोष्ट बंद, और ये क्या हो गया, h हो गया, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल जहां पर आया वहां पे देखिए वर्ग इकाई वर्ग आ गया, और जहां पर आयतन आता है वहां पे क्या होता है, घन। मैं चैप्टर 12 पढ़ाने के दौरान, गोलक पढ़ाने के दौरान आपको घन और वर्ग से कैसे सवाल में फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे से बताया हूं, बहुत बच्चों ने इससे लाभान्वित भी हुए हैं, उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ है, आज भी मैं वो बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप बस वीडियो में बने रहिए। आपको फॉर्मूला लगाने में सुविधा नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, मैं ऐसा एक बेसिक ट्रिक दे दूंगा कि आप इजीली समझ जाइएगा कि किस सवाल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार कहने का मतलब है कि ये जो नीचे वाला भाग जिससे बेलन खड़ा रहता है, तो ये जो इसका निचला वाला भाग है जो वृत्ताकार है, तो आप जान रहे हो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, देखिए पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की बात है तो वर्ग ही हमें लिखना है। ठीक है, तो आप ये सारे फॉर्मूला को समझ गए होंगे, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, यदि आपने नहीं समझा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए जहां पर रह गया सवाल, जो बात है आपका वक्र तल और पार्श्व तल की बात, तो ये देखिए मैं आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि ये जो पोर्शन है, ये आधार को छोड़ के ये क्या होता है, वक्र तल होता है, और संपूर्ण तल माने ये सबको, पूरे बेलन को ले लेंगे हम, इसका ऊपरी भाग, निचली भाग, और ये जो ये आपका पार्श्व तल या वक्र तल भी इसे बोल सकते हैं, तो ये इसका संपूर्ण तल कहलाएगा। तो आप जरूर समझिएगा कि संपूर्ण तल क्या हो रहा है और वक्र तल या पार्श्व तल क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है अलग अलग लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ये समझेंगे कि हम लोग कहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी किस तरह का सवाल रहेगा तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, और किस तरह का सवाल रहेगा तो हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सवाल में दो ही चीज है, एक क्षेत्रफल है और एक क्या है, आयतन। आप अपने बुक का मैक्सिमम सवाल ये 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मूला को लगाकर आप अपने बुक का मैक्सिमम सवाल जो है बना सकते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला, बेलन का वक्र तल या पार्श्व तल का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, और बेलन का आयतन, ये 3 फॉर्मूला से आपका मैक्सिमम सवाल सोल्व हो जाएगा आपका बुक का चैप्टर नंबर 8 का। तो ये आप 3 फॉर्मूला तो जरूरी याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए, संग संग याद कर लीजिए। ठीक है, और एक मैंने बात बोला था कि बेलन जैसी आकृति जो आपके सोसाइटी में दिखती है उसको कमेंट करके बताना है, भूलना नहीं है। ओके, जरूर कमेंट करना है। उसके बाद हम चलिए अब चलते हैं कि कहां पे हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, कहां पे हम
आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह का सवाल लिखा रहेगा तो वहां पे हम क्षेत्रफल लगा देंगे फॉर्मूला, और कैसा सवाल रहेगा, क्या सवाल में बोलेगा, तो वहां पर हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए उस चीज को हम लोग, मैं वो बेसिक ट्रिक लेकर आज आ गया हूँ, बोर्ड पे नोट डाउन भी कर दिया इसको, कि आप कैसे समझोगे कि किसी सवाल में कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। ठीक है, आप फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हो, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इसी में वो कंफ्यूज रहते हैं और वो सवाल को नहीं बना पाते हैं। यदि आप इस बेसिक ट्रिक को याद करके रखते हैं तो आपको हेल्प मिलेगा कि किस सवाल में क्या पूछा गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, क्षेत्रफल के सूत्र का ट्रिक क्या हो सकता है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगेगा। देखिए, जब सवाल में किसी बेलनाकार वस्तु को रंगने की बात हो, जहां पर रंगने की बात कही गई हो सवाल में, तो वहां पर समझ जाइएगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगने वाला है। दूसरा, जब सवाल में वर्ग इकाई लिखकर उत्तर पूछा हो, और आपके सवाल में कभी कभी लिखा होगा कि ये बताइए इसका कितना वर्ग इकाई, ऐसा लिखा रहेगा कि वर्ग इकाई लिखकर पूछे आपसे उसका आंसर, आपको ऐसा लगे कि वर्ग इकाई के ही द्वारा उसका आंसर आने वाला है, आंसर में हमको वर्ग इकाई लिखना होगा, तब आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे। ओके, तीन नंबर देखिए, जब सवाल में किसी बेलनाकार वस्तु को बनाने में लगे चादर की बात पूछा गया हो, या कभी कभी ऐसा पूछा हो कि एक बेलनाकार वस्तु है तो उसको बनाने में बताइए कितना चादर लगा हो, कितना वर्ग, ऐसा लिखा रहे कितना चादर लगा हो, तो आप वहां पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइएगा। आप जरूर समझ रहे होंगे। अब देखिए, हम समझते हैं कि आयतन के सूत्र का ट्रिक, कहां पर हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखिए, जब किसी बेलनाकार वस्तु में पानी या अन्य द्रव्य रखने की बात हो, माने जब किसी जब कोई एक वस्तु है बेलनाकार, उसमें अगर कोई द्रव्य या कोई भी वस्तु रखने की बात होगी, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, रखने की बात हो। ठीक है, दो नंबर, जब सवाल में घन लिखकर उत्तर पूछा हो, या सवाल में यह लिखा हो कि कितना घन मीटर डेसीमीटर जो भी, तब आप समझोगे आयतन का फॉर्मूला लगेगा, घन लिखा रहेगा, तो यह आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, घन और वर्ग के ऊपर, वर्ग लिखा रहेगा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, घन लिखा रहेगा तो आयतन का फॉर्मूला। आगे, पाइप से पानी निकालने की बात हो, जब आपके सवाल में कुछ सवाल ऐसे दिए गए हैं जिसमें यह पूछा गया है कि पाइप से पानी निकालने वाली बात कही गई है, तो वहां पर भी आपका आयतन का फॉर्मूला लगेगा, आप जरूर समझ रहे होंगे। चार नंबर, किसी वस्तु को पानी में डुबाने की बात हो, और जब किसी वस्तु को पानी में डुबाने की बात होगी, तब भी हम लोग क्या करेंगे, वहां पर आयतन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कहां पर हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा और कहां पर हमारा आयतन का फॉर्मूला लगेगा। आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल इस चैप्टर से रिलेटेड जो सम्स है उसको पार्ट वाइज में बना बनाकर अपलोड करते रहूंगा। आप अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बात और बता दूं आपको कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जो गोलक चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, उसका एक सम्स नहीं छूटा हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका नाम है गोलक, प्लेलिस्ट में उसका नाम है गोलक क्लास 10। तो आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।